ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾವಂತ್ ಎಂಬ 29 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಹೌದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾವಂತ್ ಗೆ 21 ವರ್ಷ 29 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರದವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು 6500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನು 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸವಿತ್ತು ತೇತ್ರಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ರಾಮನ ವನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆಗಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು अयोध्या चूंकि मेरी जन्मभूमि है तो मैं वहाँ से निकला हूँ जिस तरीके से श्री राम अयोध्या से रामेश्वरम और फिर लंका गए थे 14 वर्ष का उनका वनवास था तो वो जो वनवास का उनका समय है वो कर्म भूमि है और तो कर्म भूमि से ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं तो त्रेता युग के बाद अभी मैं चल रहा हूँ इस रूट पर और मैं मानता हूँ कि ये राम वन गमन क्षेत्र एक सांस्कृतिक धरोहर है और इस धरोहर की रक्षा के लिए इसके संवर्धन के लिए इसके जीवनोद्धार के लिए मैं निकला हूँ समाज को जोड़ने निकला हूँ नई युवा पीढ़ी को जोड़ने निकला हूँ और मैं बताता हूँ कि किस किस रास्ते से श्री राम गए हैं यही मेरी यात्रा का उद्देश्य है कितने किलोमीटर है ये आपकी यात्रा कितने किलोमीटर हो सकती है लगभग 9 से 10 हज़ार किलोमीटर की मेरी यात्रा है कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर जाना संभव नहीं होता है तो अगर मैं श्री राम के चलने का मार्ग बताऊँ तो 15 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा वो अपने 14 वर्ष के वनवास में चले हैं उससे ज़्यादा ही कितने किलोमीटर सफ़र किया आपने मैंने अभी लगभग 6000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है 2500 अभी किलोमीटर बाकी है 98 दिन अभी मेरे पूरे हो रहे हैं 3 महीने 8 दिन और अभी लगभग मुझे 2 महीने और लगेंगे रामेश्वरम पहुँचने में आपको कैसा लग रहा है देखिए कैसा लग रहा है बस एक ही जवाब है कि जिस तरीके से श्री राम त्रेता युग में चल रहे थे और उनको जन सहयोग जन सहभागिता लोगों से मिला वही आज मुझे मिल रहा है और वही अनुभूति हो रही है आपका नाम क्या बताए अभिषेक सावंत नेटिव अयोध्या